जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज गुरुवार 31 दिसंबर 2020 पोष कृष्ण प्रतिपदा है। आज से पोष मास प्रारंभ हो रहा है और आज नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री राजीव जी श्री दाऊजी बाबा का प्राकट्योत्सव है। श्री दाऊजी बाबा का जन्म विक्रम संवत 2005 में आज के दिन मुंबई में हुआ था। आप नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंदलाल जी महाराज श्री के ज्येष्ठ पुत्र और वर्तमान गोस्वामी तिलकाय श्री इंद्र दमन जी राकेश जी महाराज श्री के ज्येष्ठ भ्राता थे। आप जीवन भर श्री गोवर्धन धरण प्रभु तथा श्री नवनीत प्रिया जी प्रभु के सुखार्थ सदैव गुप्त मनोरथ करने के आग्रही थे। आप मनोरथ की भाव भावना को विचार करके प्रभु श्री जी के सुखार्थ अनेक रसमय सामग्रियां श्रृंगार व मनोरथ करते थे। आपका उपनयन संस्कार जतिपुरा में हुआ था और विवाह नाथद द्वारा में हुआ था। आपने विक्रम संवत 2023 में नाथद द्वारा पधार कर आज का श्रृंगार प्रारंभ किया था। श्री जी प्रभु को आपने अनेक आभूषण भेंट किए। जीवन भर आप प्रभु सेवा में व्यस्त रहे एवं जीवन के अंतिम वर्षों तक स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने पर भी श्री गोवर्धन धरण प्रभु को विविध मनोरथों द्वारा लाड़ लड़ाते थे। आपने श्री जी के विग्रह स्वरूप श्री मदन मोहन जी श्री नवनीत प्रिया जी द्वितीय पीठाधीश्वर श्री विट्ठलनाथ जी एवं प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी कांकरोली को नाथद्वारा के समीप कछुआई के बाग में पधरा कर भव्य फाग का अद्भुत मनोरथ किया था, जिसे नगरवासी एवं वैष्णव आज भी याद करते हैं। आप नगरवासियों एवं ब्रजवासियों में अत्यंत लोकप्रिय भी थे। आज दिन भर श्री गुसाई जी की बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। सभी वैष्णवों को वैष्णव प्रिय परम दयालु नित्य लीला स्थ तिलकाय श्री दाऊजी बाबा के जन्मोत्सव की अनेकानेक बधाइयां। आइए श्रीनाथ जी का आज का सेवाक्रम देखते हैं। उत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को हल्दी से लीपा जाता है और आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल द्वारों पर बांधी जाती है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या और शयन की आरती थाली में की जाती है। आज श्रीनाथ जी को लाल साटन के चाकदार वागा एवं श्रीमस्तक पर किरीट मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। आज दिन भर विशेष श्रृंगार होता है, जिसमें से श्रृंगार के दर्शन की चर्चा करें तो श्रृंगार के दर्शन में आज श्रीनाथ जी में केसरी रंग की साटन की सुनहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। पिछवाई में एक और आरती करते श्री गोविंदलाल जी महाराज श्री और दूसरी ओर हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन करते श्री दाऊ बाबा के स्वरूप का चित्रांकन कलाबत्तू के काम से किया हुआ होता है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश जी को आज श्रृंगार के दर्शन में लाल रंग की साटन का रुपहली जरी की तोयलेस की किनारी से सुसज्जित चोली, चाकदार वागा, सूथन और लाल मलमल का पटका धराए जाते हैं तथा टंकमा हीरा के मोजा जी धराए जाते हैं। आज ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं, जिसके चारों ओर पुष्प लताओं का चित्रांकन किया हुआ होता है। इस प्रकार के पुष्प लताओं के चित्रांकन वाले ठाड़े वस्त्र वर्ष भर में केवल आज के दिन ही धराए जाते हैं। आप सभी इन श्रृंगार का आनंद लीजिए, प्रभु के दर्शन का आनंद लीजिए और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु के आवरण श्रृंगार की दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण हीरे के सुशोभित किए जाते हैं। सब हार के श्रृंगार आज धराए जाते हैं। 3 हार पाटन वाले धराए जाते हैं।
श्री मस्तक पर छिलमा हीरे का किरीट सुशोभित किया जाता है और शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। हीरे की चोटी जी शिखा जी धराई जाती है। पीठिका के ऊपर आज सोने का चोखटा धराया जाता है। श्रीकंठ में कली कस्तूरी नील कमल की माला जी धराई जाती है और पुष्पमाला में श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की दो सुंदर थाक वाली माला जी सुशोभित की जाती है। प्रभु जी के श्रीहस्त में हीरे के वेणु जी तथा दो वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक हीरे के और एक सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पट और गोटी दोनों उत्सव की आती है। आरसी श्रृंगार में लाल मखमल की दिखाई जाती है और राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु को आज गोपी वल्लभ या ग्वाल के भोग में केसर युक्त चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी और शाक घर में सिद्ध चार विविध प्रकार के फलों के मीठा रोगाए जाते हैं। राजभोग में अन्न सकड़ी में दाक का रायता, सकड़ी में छह भात रोगाए जाते हैं। अब आइए अब हम राजभोग दर्शन की बात करते हैं। राजभोग दर्शन में आज कांच के टूक का बंगला आता है और आज श्रृंगार में वर्णित पिछवई श्रृंगार और ग्वाल के दर्शन में ही आती है। राजभोग दर्शन में पिछवई बड़ी करके अर्थात हटा करके प्रभु को कांच के टूक के सुंदर बंगले में विराजित किया जाता है। प्रभु कांच के बंगले में राजभोग से उत्थापन तक विराज कर भक्तों को दर्शन सुख प्रदान करते हैं। संध्या आरती के दर्शन में सूखे मेवे का बंगला आता है, जिसके चित्र जी के दर्शन आप कर रहे हैं। उत्थापन से शयन तक प्रभु सूखे मेवे के बंगले अर्थात मंडली में विराजते हैं। उत्सव भोग के रूप में विविध सामग्रियां अरोगाई जाती है और इस आज के उत्सव के अद्भुत मनोरस के दर्शन होते हैं। आइए अब हम आज की राग सेवा आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी कि आज गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी की बधाई के कीर्तन आज दिन भर गाए जाते हैं। इनमें से मंगला दर्शन में पोष कृष्ण नवमी जब आई और राजभोग में पोष निर्दोष सुख को, आरती में जन्म लियो शुभ लग्न विचार और शयन के दर्शन में सुभग सहेली सब मिल का गायन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।